Imran Khan has laid out an ambitious agenda for himself now. He shared some of his plans in a televised address today. Here's a quick recap of what he said some hours back. मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि 22 साल की स्ट्रगल जो आज से 1996 में मैंने शुरू की और आज अल्लाह ने उस मुकाम पे मुझे पहुंचाया है कि एक मौका मुझे दिया है कि मैं वो जो मेरी ख्वाब थी एक पाकिस्तान की ख्वाब लेके चला था मुझे अल्लाह ने मौका दिया है कि मैं उस ख्वाब को पूरा कर सकूं मैं पॉलिटिक्स में इसलिए आया था कि मैं ये समझता हूं कि जो हमारे मुल्क का पोटेंशियल था जो हमारा मुल्क जिस तरह ऊपर जा रहा था जब मैं बड़ा हो रहा था इस पाकिस्तान में मैं ये मैंने खुद देखा कि ये मुल्क ऊपर जाते हुए और फिर नीचे आता और हमने नीचे आता ऐसे देखा कि एक गवर्नेंस सिस्टम का कोलैप्स देखा और करप्शन का किस तरह का पाकिस्तान देखना चाहता हूँ जो मैं अब जिधर आज हम खड़े हुए हैं हम किस तरह का पाकिस्तान चाहते हैं देखिए मैं मेरी जो इंस्पिरेशन थी वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना की रियासत बनाई उस रियासत के अंदर जिस तरह का इंसानियत का निज़ाम आया पहली दफ़ा दुनिया की तारीख में एक फलाई रियासत बनी एक रियासत ने जिम्मेदारी ली अपने कमज़ोर तबके की पहली दफ़ा एक रियासत ने बेवाओं की मजदूरों की यतीमों की एक ये भी स्टेज आई कि खलीफा वक्त ने कहा कि अगर कुत्ता भी मेरी रियासत के अंदर भूखा मरे तो मैं ज़िम्मेदार हूँ मैं वो उस रियासत मैं पाकिस्तान मेरी इंस्पिरेशन ये है कि पाकिस्तान उस तरह का एक इंसानियत का नज़ारा जो इस वक्त इकोनॉमिक चैलेंज है पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा आज पाकिस्तान इकॉनमी का चैलेंज फेस कर रहा है हमारा कभी भी तारीख में इतना बड़ा फिस्कल डेफिसिट नहीं था हमारा कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना ट्रेड डेफिसिट नहीं है कभी पाकिस्तान की तारीख में इतने कर्जे नहीं लिए हुए कभी पाकिस्तान की तारीख में रुपया इतना नीचे नहीं गिरा डॉलर के मुकाबले में ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि हमारी जो इकॉनमी है वो एक 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 इदारे जो फंक्शन नहीं कर रहे डिसफंक्शनल इदारों की वजह से आज हमारी इकॉनमी नीचे जा रही है हमने पहले गवर्नेंस सिस्टम ठीक करना है हमने माहौल बनाना है बिजनेस के लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हमने ठीक करनी है मेरे ख्याल में जो हमारा सबसे बड़ा एहसास है वो हमारा है ओवरसीज पाकिस्तानी उनको इंशाल्लाह हम इस मुल्क में दावत देंगे हम उनको गवर्नेंस ठीक करके मौके देंगे कि इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें सबसे पहले तो हमारा जो नेबर है चाइना उससे हम और मजबूत करेंगे अपनी रिलेशनशिप चाइना एक बड़ा हमें मौका देता है कि चाइना जो सीपैक उन्होंने पाकिस्तान में प्रोजेक्ट शुरू किया है इससे हमें मौका मिलता है कि हम उसको सीपैक को इस्तेमाल करके इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर लेके आएं। दूसरा चाइना से जो हम सीखना चाहते हैं वो जो मैं बात कह बैठा हूँ 70 करोड़ लोग चाइना ने गुर्बत से 30 साल में निकाले मैं तो ये भी चाहता हूँ कि अफगानिस्तान में हमारे ऐसे ताल्लुकात हो जाएँ कि हमारे ओपन बॉर्डर्स हों जिस तरह यूरोपियन यूनियन के ओपन बॉर्डर्स हैं हमारे भी एक दिन अफगानिस्तान से ओपन बॉर्डर्स हों मैं ये चाहता हूँ क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका इन्वॉल्व है मैं चाहता हूँ कि अमेरिका के साथ भी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारी एक ऐसे ताल्लुकात हों जो कि म्यूचुअली बेनिफिशियल हों यानी एक ऐसे हों जो दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदा मंद हों अभी तक बदकिस्मती से हमारे ताल्लुकात वन वे रहे हैं यानी कि अमेरिका समझता है कि वो पाकिस्तान को इमदाद करता है उनकी अमेरिका की जंग लड़ने के लिए इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचा है हम ये रिलेशनशिप चाहते हैं अमेरिका से कि दोनों मुल्कों को फ़ायदा हो एक 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 बैलेंस्ड रिलेशनशिप हो और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे उस बैलेंस्ड रिलेशनशिप के लिए मुझे थोड़ा अफसोस हुआ ये पिछले चंद दिन ये इलेक्शन में कि जो हिंदुस्तान के मीडिया ने जिस तरह मेरी मुझे पोर्ट्रे किया ऐसे लगा जैसे मैं कोई बॉलीवुड फिल्म का विलन हूँ यानी ऐसे लगा कि जैसे हर चीज़ जो हिंदुस्तान के लिए बुरी है वो होगी अगर इमरान खान ताकत में आ जाए मैं वो पाकिस्तानी हूँ जो शायद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वाकफियत लोगों से है हिंदुस्तान सारा फेरा हुआ क्रिकेट की वजह से
अगर हम ये गुर्बत कम करना चाहते हैं बड़े सगीर में, जो कि सबसे नंबर वन प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट की, तो सबसे बेहतर ये हो कि हमारी एक दूसरे से ट्रेड टाइज चलें, हम एक दूसरे से तजारत करें, और जितना हम तजारत करेंगे दोनों मुल्कों का फ़ायदा है। बदकिस्मती ये है कि हमारे इश्यूज के अंदर जो सबसे बड़ा इशू, कोर इशू है, वो कश्मीर है। मैं ये चाहूँगा कि अगर हिंदुस्तान की लीडरशिप तैयार है, हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम अपने ताल्लुकात बेहतर करें। आप एक कदम हमारी तरफ आएंगे, हम दो कदम आपकी तरफ जाएंगे, लेकिन आगे भी तो बढ़ें। अभी तक तो एक वन साइडेड किस्म की रिलेशनशिप है कि ब्लेम किया जा रहा है पाकिस्तान को, हर जिस किस्म की दुनिया में कहीं दहशतगर्दी हो तो पाकिस्तान को ब्लेम किया जाता है। तो मैं ये चाहूँगा, ये मेरा मैं कन्विक्शन से कह रहा हूँ कि ये दोनों, ये सब कॉन्टिनेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारे मुल्कों के अंदर दोस्ती हो।